हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश गुप्ता एग्जाम ट्रेंड चैनल से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जीएस के डोज पार्ट 14 के बारे में। ठीक है, जीएस के डोज पार्ट 14 के बारे में। दोस्तों, इसके पहले कुल 13 पार्ट आ चुके हैं और जो कोई भी उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को देख ले। आप लोग जैसा कि जानते हैं, रेलवे का भी डेट फिक्स हो गया है एग्ज़ाम का, और इसके साथ साथ एसएससी सीजीएल के कल जो है 4 तारीख को जो है परसों 4 तारीख को जो है लास्ट डेट है। ठीक है, तो जो कोई भी सीजीएल का फॉर्म नहीं डाला है, सीजीएल का भी फॉर्म डाल सकता है। और आप लोग जैसा कि जानते हैं, कई ढेर सारे जो है यूपी ट्रिपल एससी के भी एग्ज़ाम आ रहे हैं और हर जगह पे जीएस का बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, तो जो कोई भी एग्ज़ाम के पर्पस से तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले तो वीडियो को देखता चले। और वीडियो में क्या है दोस्तों कि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाले गए हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आगे एग्ज़ाम में पूछने के चांसेज हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसके साथ साथ जो भी इससे कोरिलेट कर सकता हूँ, जो भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं या जो भी इसके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है, वो सारी जानकारियाँ इस वीडियो में दी जाती हैं। ठीक है, तो जो जो कोई भी इसका पीछे का पार्ट ना देखा हो तो इसका सबसे पहले तो पीछे का पार्ट देख ले और उसके बाद जो है तब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? दृष्टि पटल कहलाता है। क्या कहलाता है? दृष्टि पटल या फिर रेटिना। ठीक है, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ जो है वह दृष्टि पटल या रेटिना कहलाता है। इसके बारे में जानते हैं, कशेरुकी जीवों में दृष्टि पटल आँख के अंदर एक प्रकाश संवेदी ऊतक पर्त को कहते हैं। किसको कहते हैं? कशेरुकी जीवों में दृष्टि पटल आँख के अंदर एक प्रकाश संवेदी ऊतक पर्त को कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संबंधी संवेदी ऊतक पर्त को कहते हैं दृष्टि पटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, एस्प्रिन होता है। तो दोस्तों, एस्प्रिन क्या होता है? जैसा कि हम लोग एस्प्रिन का नाम सुने हैं लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम होगा, आज हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे कि एस्प्रिन क्या होता है। यह एक तरह का एनाल्जेसिक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि यह एनाल्जेसिक क्या है। ठीक है, क्योंकि ये साइंस के भाषा में है तो आप लोग को शायद इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन सबसे पहले हम इसको जानते हैं एनाल्जेसिक क्या है। एनाल्जेसिक या दर्दनाशक एनाल्जेसिया। ठीक है, एनाल्जेसिक या दर्दनाशक एनाल्जेसिया दर्द से राहत प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त दवाओं के समूह का कोई भी सदस्य है। ठीक है, इसका मतलब क्या निकला? तो इसका मतलब यह निकला कि एनाल्जेसिक जो है यह एक तरह का मेडिसिन है। ठीक है, एक तरह का दवा है। और अगर हम बात करते हैं एस्प्रिन की, तो एस्प्रिन एक सैलिसिलेट औषधि है। क्या है? एस्प्रिन एक सैलिसिलेट औषधि है। ठीक है, एस्प्रिन एक सैलिसिलेट औषधि है। हल्के दर्द से छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक के रूप में, ज्वर कम करने के लिए ज्वर शामक के रूप में और शोध निरोधी दवा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो यह हमारा जो है एस्प्रिन के बारे में हो गया। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं जीएस के डोज पार्ट 14 में, आज वाले पार्ट में जो है साइंस से क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ मन लगा के पढ़िए, साइंस से आजकल अच्छे खासे एग्ज़ाम आ रहे हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री का है, हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर होता था। हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर होता था, तो कौन सा होता था? कुबड़दार सांड। ठीक है, हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कुबड़दार सांड को कहते हैं। ठीक है, होता था। हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे? तो दोस्तों, हड़प्पा के उत्खननकर्ता जो है राय बहादुर दयाराम साहनी थे। ठीक है, इनको हम लोग दयाराम साहनी के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी यह हड़प्पा के उत्खननकर्ता हैं थे। और यह उत्खनन कब हुआ था? तो 1921 में। ठीक है, यह भी माना जाता है कि हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने की है। ठीक है, हड़प्पा के उत्खननकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी थे। 1921 ईस्वी में मोंट गोमरी जिला पश्चिमी पंजाब, जो कि पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है। ठीक है, वर्तमान में अगर हम नदी की बात करते हैं कि यह नदी कहाँ है, तो किस नदी के पास पड़ता है हड़प्पा? तो
तो प्रमुख हिसाब से रावी नदी के पास, ठीक है। हड़प्पा जो है रावी नदी से इसका संबंध है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी थे। 1921 ईस्वी में इन्होंने मोंटगोमरी जिला में पश्चिमी पंजाब, जो कि पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है, यहाँ पे हड़प्पा की खोज की थी, ठीक है। यह वर्तमान का मैं बता रहा हूँ डिटेल, कि वर्तमान में इसे हम मोंटगोमरी जिला के नाम से जानते हैं, जो कि पश्चिमी पंजाब में पड़ता है और यह पाकिस्तान में पड़ता था पहले। और वर्तमान में अगर हम नदी की बात करें, कौन सी नदी के पास है हड़प्पा, तो रावी नदी के पास है, ठीक है। अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा जो है किस नदी से संबंध रखता है, तो किस नदी से रखता है, प्रमुख रूप से रावी नदी के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हड़प्पा के बारे में कुछ और भी है थोड़ा सा नॉलेज, इसको भी देख लेते हैं। प्राप्त साक्ष्य की बात करें कि हड़प्पा से हमें क्या मिला था, ठीक है, हड़प्पा से हमें क्या मिला था, तो साक्ष्य के बारे में बात करते हैं। कांस्य की गाड़ी मिली थी, अन्न भंडार मिले थे, पारदर्शी वस्त्र मिले थे, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिली थी, और गरुड़ का चित्रित मुद्रा मिला था, और कांस्य दर्पण, शंख का बैल, मछुआरे का चित्र, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें हड़प्पा से मिली थी, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं कि हड़प्पा के साक्ष्य क्या हैं, हड़प्पा से मिले क्या थे, तो पूछ सकता है कि कांस्य की गाड़ी कहाँ से मिली थी, या अन्न भंडार कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो यह सब हड़प्पा से प्राप्त हुए थे, ठीक है। या फिर यह पूछ सकता है पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति कहाँ से मिली, तो हड़प्पा से मिली। गरुड़ चित्रित मुद्रा मिली, कांस्य दर्पण मिला, शंख का बैल मिला, और मछुआरे का चित्र मिला, ठीक है। तो यह साक्ष्य जो है हड़प्पा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता कहलाती है, तो क्या कहलाती है, द्रव्यावस्था कहलाती है, ठीक है। किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता क्या कहलाती है, द्रव्यावस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट भी हमारा साइंस से ही है। किसी की चालकता उसके ताप के बढ़ने से बढ़ती है, तो उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, ठीक है, अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक, किसी की चालकता उसके ताप के बढ़ने से बढ़ती है, तो उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। अर्धचालक के बारे में देखते हैं, अर्धचालक क्या होता है, तो दोस्तों अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों से अधिक होती है, ठीक है। अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों से अधिक होती है, उसे हम अर्धचालक के नाम से जानते हैं। अर्धचालक में होते क्या है, एग्जाम्पल अगर हम उससे देखना चाहें तो एग्जाम्पल देख सकते हैं। सबसे पहले तो अर्धचालक की बात करते हैं, तो सिलिकॉन, ठीक है, यह एक तरह का अर्धचालक है। जर्मेनियम, यह भी अर्धचालक है। कैडमियम, सल्फाइड, गैलीलियम आर्सेनाइड इत्यादि, ठीक है, यह सब जो है अर्धचालक के उदाहरण है, ठीक है, अर्धचालक के एग्जाम्पल हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, सल्फाइड, गैलीलियम, ठीक है, आर्सेनाइड इत्यादि अर्धचालक पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं इस टाइप के, ठीक है। तो यह हो गया अर्धचालक के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा, रासायनिक सूत्र NaOH है, ठीक है, तो क्या है, यह एक तरह का कास्टिक सोडा को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, यह किसका सूत्र है, तो कास्टिक सोडा का सूत्र है। कास्टिक सोडा को दोस्तों और किस नाम से जानते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से, ठीक है। कास्टिक सोडा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार है, क्या है, उच्च कोटि का क्षार है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे दाहक सोडा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दाहक सोडा भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि दाहक सोडा क्या होता है, तो यह कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, इसे दाहक सोडा या कास्टिक सोडा भी कहते हैं। यह लुगदी और कागज, वस्त्र, पेयजल, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में तथा नालियों की सफाई में प्रयोग होता है। कास्टिक सोडा का यूज हम कहाँ करते हैं, तो लुगदी बनाने में, और कागज को बनाने में, वस्त्र को बनाने में, पेयजल जल को बनाने में, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में तथा नालियों की सफाई में, इन सब जगहों पे हम लोग किसका यूज करते हैं, तो कास्टिक सोडा का यूज करते हैं, ठीक है, या दाहक सोडा कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं,
अगला क्वेश्चन हमारा, फलों में मीठे स्वाद का कारण है, फलों में मीठे स्वाद का कारण है, तो क्या कारण होता है, फल मीठे क्यों होते हैं, फल मीठे क्यों होते हैं, तो फ्रक्टोज के कारण होते हैं, ठीक है। फलों में मीठे स्वाद का कारण जो है यह फ्रक्टोज होता है। अगर हम फ्रक्टोज की बात करते हैं तो देखते हैं फ्रक्टोज के बारे में, ठीक है, कुछ नॉलेज रखते हैं। फ्रक्टोज फल शर्करा एक कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? फ्रक्टोज एक फल शर्करा कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक है। यह एक प्रकार का प्रांग जलीय है। कैसा है? यह एक प्रकार का प्रांग जलीय है, ठीक है। इसका अणु सूत्र भी ग्लूकोज की तरह C6H12O6 होता है। क्या होता है इसका अणु सूत्र, क्या होता है? तो इसका अणु सूत्र जो है ग्लूकोज से मिलता जुलता है, C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, बैटरी का धन ध्रुव होता है, बैटरी का धन ध्रुव होता है, तो क्या होता है दोस्तों? बैटरी का धन ध्रुव जो है एनोड होता है। क्या होता है? एनोड होता है। एनोड की बात करते हैं, एनोड या फिर धनाग्र, ठीक है, इसी को हम जानते हैं धनाग्र के नाम से। एनोड धनाग्र उस विद्युत ताग्र कहते हैं, ठीक है, एनोड धनाग्र उस विद्युताग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युताग्र कहते हैं, जिससे होकर किसी वैद्युत युक्ति में विद्युत धारा प्रवेश करती है, वैद्युत युक्ति में विद्युत धारा प्रवेश करती है, उसे हम एनोड के नाम से जानते हैं। विद्युत धारा की दिशा की बात करते हैं तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म बनाई गई थी। दोस्तों कुछ दिन पहले भी इससे क्वेश्चन आया था, मैंने जो जीएस के डोज में पढ़ा चुका हूँ मैं इसके बारे में, ठीक है, मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। और देखिए एक और क्वेश्चन हमें आज मिला, और ऐसे ही आगे एग्जाम में भी क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, तो प्लीज़ अच्छे से देखिए। भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म बनाई गई थी, तो कौन सी बनाई गई थी? राजा हरिश्चंद्र बनाई गई थी, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र बनाई गई थी। राजा हरिश्चंद्र फिल्म को दादा साहब फाल्के ने सन 1913 में बनाई थी। कब बनाई थी? राजा हरिश्चंद्र मूवी को, फिल्म को दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। कब बनाई थी? सन 1913 में बनाई थी। दोस्तों क्यों दादा साहब फाल्के इसे सबसे पहले मूवी का निर्माण किए इंडिया में, भारत में, और राजा हरिश्चंद्र मूवी ही क्यों निकालें? तो इसका भी रीजन है, दादा साहब फाल्के जो रहते हैं यह एक तरह का कलाकार रहते हैं, कहते हैं इनके बारे में कि यह एक मैजिशियन होते हैं, जादूगर के होते हैं, ठीक है, और जादूगर का प्रोग्राम करते हैं, लेकिन जो है इनके अंदर मतलब कई सारी ढेर सारी कलाएं होती हैं। दादा साहब फाल्के के अंदर जो है, यह एक व्यक्ति का नाम है, इनके अंदर कई ढेर सारी कलाएं होती हैं, ठीक है, और उससे ये अपने कला का प्रदर्शन करते हैं और पूंजी कमाते हैं। तो होता क्या है कि एक बार ये विदेश जाते हैं, और विदेश जाने के बाद ये सिनेमा हॉल में जाते हैं और मूवी देखते हैं। साइलेंट मूवी होती है, कुछ भी आवाज़ नहीं होती है मूवी में, और कितने टाइम की होती है? तो मैक्सिमम 5 से 10 मिनट की होती है, ठीक है, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट की होती है। तो छोटी सी मूवी होती है और यह देखते हैं तो इनको बहुत ही अच्छा लगता है, प्रभावित होते हैं उससे कि यार इतनी छोटी सी मूवी, मतलब थोड़ा सा और कितना, काफ़ी कुछ मतलब इसमें सीखने को मिला, काफ़ी कुछ अच्छा है। तो इन्होंने उसी दिन देखा, और फिर उसके बाद इन्होंने दादा साहब फाल्के ने अपने अंदर एक वो जगा लिया, आस्था की जय, मुझे भी अब फिल्म बनानी है, ठीक है, फिल्म का निर्माण करना है। और उसके बाद यह तभी से फिल्म के लिए लग गए और जोर शोर से लगे। और इनके मन में विचार क्या आया, सबसे पहले क्या बनाने का विचार आया? तो रामायण और महाभारत, ठीक है। इन्होंने सोचा अगर मैं रामायण बनाता हूँ या फिर महाभारत बनाता हूँ तो जो है बहुत से लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे और उन लोग को पसंद आएगा आएगा, इसलिए यह सोचते हैं कि मैं ऐसी कुछ कहानियों को बनाऊंगा, और लेकिन जो कि 5 या 10 मिनट का नहीं बल्कि 2-3 घंटे में, 2-3 घंटे का होगा, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के जो है सबसे पहले अपनी मूवी निकालते हैं राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। इसके लिए इन्होंने, दादा साहब फाल्के ने बहुत ही मेहनत किया, उसके बाद जाके ये मूवी रिलीज हो पाई, ठीक है। कब रिलीज हुई? तो सन 1913 में हुई, और यह एक तरह की साइलेंट मूवी थी। राजा हरिश्चंद्र एक तरह की साइलेंट मूवी थी, ठीक है।
मूवी तो सबसे पहली थी लेकिन एक साइलेंट मूवी थी। अगर हम बात करते हैं सबसे पहली बोलती फिल्म की, कि सबसे पहली बोलती फिल्म भारत में कौन सी आई, तो आलम आरा आई थी। ठीक है, कुछ लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि सबसे पहली मूवी जो आई आलम आरा आई, लेकिन सबसे पहली मूवी जो भारत में आई वो राजा हरिश्चंद्र आई। आलम आरा जो है यह बाद में आई और इसे हम बोलती मूवी के नाम से पहली मूवी जानते हैं। ठीक है, सन 1931 में यह मूवी आई। कब आई? सन 1931 में आई आलम आरा। ठीक है, बोलती फिल्म, भारत की पहली बोलती फिल्म। प्रथम महिला फिल्म स्टार की बात करें हम तो देविका रानी। ठीक है, देविका रानी ने यह जो है सबसे पहले जो ये मूवी आती है इसमें भी इन्होंने जो है रोल किया है। ठीक है, देविका रानी जो है इस इन्होंने खुद ही एक एक्टर हैं और इन्हें जो है प्रथम महिला फिल्म स्टार के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली महिला फिल्म स्टार कौन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो कौन है? देविका रानी। ठीक है, यह प्रथम महिला फिल्म स्टार हैं। और दोस्तों देविका रानी जो है इनके पति का नाम रहता है हिमांशु राय। ठीक है, हिमांशु राय, यह दोनों लोग मिलके हिमांशु राय और देविका रानी दोनों लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके जो है सबसे पहले बॉम्बे में बॉम्बे टाकीज का जो है बॉम्बे टाकीज स्टूडियो की स्थापना किए हैं। ठीक है, किसका स्थापना किए हैं? तो बॉम्बे टाकीज स्टूडियो की स्थापना किए हैं। ठीक है, कौन किया? देविका रानी ने, बॉम्बे टाकीज स्टूडियो का। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, बॉम्बे टाकीज स्टूडियो का स्थापना कौन किया? तो देविका रानी ने किया। ठीक है, देविका रानी ने किया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो दोस्तों भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है यह कर्नाटक है। कहवा या काफी, ठीक है, कहवा या कॉफी का पौधा भारत में 18वीं शताब्दी में, कब? 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? तो 18वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, आया तो और पहले था, 18वीं शताब्दी से भी पहले ही आया था, लेकिन जो है लगा कब सही तरीके से, जो पौधा है वो पहले तो लगा नहीं था, और जब लगा तो इसकी पैदाइश जो हुई 18वीं शताब्दी में हुई। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि कहवा जो है 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया था। भारत में विश्व के उत्पादन का केवल 4.5% कहवा ही पैदा होता है। कितना परसेंट पैदा होता है? तो 4.5% ही पैदा होता है। ठीक है, किंतु इसका स्वाद उत्तम होने के कारण विश्व के बाजारों में इसका मूल्य अधिक मिलता है। ठीक है, इसका जो भारत में कहते हैं कि भारत में जो है कहवा का उत्पादन का जो है यह 4.5% है ही पैदा होता है, लेकिन इसका स्वाद जो है सबसे अच्छा माना जाता है, भारत का जो कहवा होता है कॉफ़ी होता है, इसलिए इसका बाजारों में अधिक मूल्य मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्यों ऐसा हम कहते हैं कि भारत का ही कहवा सबसे अच्छा होता है? तो इसका रीज़न यह है कि जो भारत में कहवा वो पैदावार करते हैं जो है, यह लोग इसको कहवा को जो है छाँव में पकाते हैं, छाँव में पैदा करते हैं। कहाँ पैदा करते हैं? छाँव में पैदा करते हैं। छाँव में पैदा करते हैं का अर्थ क्या है कि जो है इसके अगल बगल पेड़ लगा देते हैं। ठीक है, इसके अगल बगल पेड़ लगा देते हैं और पेड़ से इसको ढक देते हैं, और उसके बाद जो है इसको पैदा करते हैं, तो यह कहवा सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है। और बाकी जगहों पे जहाँ भी कहवा पैदा होता है यह डायरेक्ट धूप में पैदा होता है, इसलिए उसका स्वाद इतना अच्छा नहीं होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, जो कहवा होता है यह खास करके जो है जैसे कि कहीं पे ज्वालामुखी फटा है, खास करके उधर के आसपास की मिट्टियों में होता है, पैदा होता है। ठीक है, और ऐसा है कि भारत में कहवा का जो उत्पादक राज्य अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो कर्नाटक में यह सबसे ज़्यादा पैदावार होती है कहवा का, कॉफ़ी का। ठीक है, भारतीय कहवा को मधुर कहवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मधुर कहवा भी कहा जाता है, मधुर कहवा के नाम से भी जानते हैं हम लोग भारतीय कहवा को। भारत में कॉफ़ी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। कहाँ होता है? भारत में कॉफ़ी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। यहाँ कुल 8200 टन कॉफ़ी का उत्पादन होता है। कितना होता है? 8200 टन
कॉफी का उत्पादन होता है, जिसमें से कर्नाटक राज्य में अधिकतम 53%, कितना, अधिकतम 53%, केरल राज्य में 28% और तमिलनाडु में 11% उत्पादन होता है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी कई जगह होता है कहवा उत्पादन, लेकिन अगर हम प्रमुख की बात करें मुख्य रूप से, तो यह तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। यह भारत में यही तीन इम्पोर्टेंट हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक में 53%, 53, और केरल में 28, 28%, और तमिलनाडु में 11% या 11% उत्पादन होता है। तो यह हमारे कहवा से रिलेटेड नॉलेज थी। ठीक है, तो कहवा के बारे में आज हम देख लिए। कहवा सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। ठीक है, कितना उत्पादन करता है, तो कुल 53% करता है। पूरे भारत में कितना उत्पादन होता है, तो 4.5% होता है। कितना अगर हम डेटा में बात करते हैं, तो 8200 टन लगभग। ठीक है, और केरल में 28%, तमिलनाडु में 11%। ठीक है, तो यह हो गया कहवा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री से है। ठीक है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार जो है, मुहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था, तो मुहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। मुहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। कौन था, मुहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। आगे देखते हैं, मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है और इम्पोर्टेंट इसको बनाना है, और देखते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, आगे देखते हैं इनके बारे में। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां, ठीक है, या मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। टाइम पीरियड क्या था, तो 1325 से लेके 1351। दोस्तों, अगर कहीं से कहीं क्वेश्चन में यह भी आता है कि जूना खां कौन था, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, जूना खां कौन था, तो जूना खां जो है यह कोई और नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक ही था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। टाइम पीरियड क्या था मोहम्मद बिन तुगलक का, तो 1325 से 1351। ठीक है, इसका मूल नाम क्या था, तो उलूग खां। मूल नाम क्या था, उलूग खां, ठीक है, यह इसका मूल नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का। राजा मुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। क्या कहा गया है, दुनिया का खान कहा गया है। अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि रक्त पिपासु के नाम से किसको जानते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक को जानते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा राजा था जो कि अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो है अपने राज्य में सफल नहीं साबित हो पाता है, हमेशा असफल ही रहता है। ठीक है, क्योंकि यह जो भी काम करता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही आ जाती है, मतलब एक तरह से कह लो इसकी, मतलब इसका नसीब ही अच्छा नहीं होता है। ठीक है, कभी बाद में बताता हूँ इनके बारे में, इनकी हिस्ट्री अच्छे से डिस्कस करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक है, अभी तो आज देखते हैं आगे, काफ़ी अभी और कुछ भी है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ अच्छे कमेंट्स आने चाहिए। ठीक है, अच्छे कमेंट्स आने चाहिए। तो एक बार मैं चाहूँगा आप लोग से यहाँ पे एक क्वेश्चन करना। ठीक है, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, तो आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और ज़रूर से करेंगे। ठीक है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, यह आप लोग से आज क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका रिप्लाई करना है, और ज़रूर से करना है, ढूंढ के करना है, कहीं से भी करना है, बट करना है। ठीक है, यही बताएगा कि आप लोग का नॉलेज किस हिसाब से बढ़ रहा है और आप लोग कैसे चल रहे हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम हिंदू शासक, ठीक है, यह क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम हिंदू शासक कौन है। ठीक है,
इसका रिप्लाई आप लोग को देना है, ठीक है, और ज़रूर से देना है। यह क्वेश्चन मैंने आप लोग के सामने लिख दिया है, ठीक है, यह आप लोग के सामने आज क्वेश्चन है आज का, दिल्ली सल्तनत का अंतिम हिंदू शासक कौन था। इसका रिप्लाई करना है आप लोग को, ढूंढ के करना है, चाहे जहाँ से करना है लेकिन करना ज़रूर है, गलत सही कुछ भी बताओ, बट बताओ कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम हिंदू शासक कौन था। इसका रिप्लाई ज़रूर करिए दोस्तों। और देखिए, अगर आप लोग कमेंट में रिप्लाई करते हैं तो इससे क्या है, कुछ मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और उसके साथ साथ पढ़ रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो यह क्वेश्चन है आज का, दिल्ली सल्तनत का अंतिम हिंदू शासक कौन था। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रक का आवरण किसके अंत में विघटित हो जाता है। केंद्रक का आवरण किसके अंत में विघटित हो जाता है, तो प्रोफेज के, ठीक है। प्रोफेज क्या होता है, तो प्रोफेज एक जीवाणु रोधी होता है, ठीक है, एक तरह से हम इसको बैक्टीरिया कह सकते हैं, जीवाणु कह सकते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। प्रोफेज एक जीवाणु रोधी होता है। आंद्रे लेवॉफ ने दिखाया कि संक्रमण के बाद वायरस को गैर संक्रमित रूप में बैक्टीरिया की पीढ़ियों तक पारित किया जाता है, ठीक है, जिसे प्रोफेज के नाम से जाना जाता है या बुलाया जाता है, ठीक है, इसे ही प्रोफेज कहते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है, तो हमारी आकाश गंगा की आकृति जो है यह स्पाइरल है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, भूगोल से, ठीक है, काफ़ी टाइम के बाद भूगोल से क्वेश्चन आया है, हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है। तो हमारी आकाश गंगा की आकृति जो है यह स्पाइरल है। आकाश गंगा मिल्की वे, ठीक है, आकाश गंगा या फिर मिल्की वे, क्षीर मार्ग, ठीक है, क्षीर मार्ग या मंदाकिनी, हमारी गैलेक्सी को कहते हैं। किसको कहते हैं, हमारी गैलेक्सी को कहते हैं, किसको कहते हैं, गैलेक्सी को कहते हैं। आकाश गंगा मिल्की वे, क्षीर मार्ग या मंदाकिनी, हमारी गैलेक्सी को कहते हैं, जिसमें पृथ्वी और हमारा सौरमंडल स्थित है। क्या स्थित है, पृथ्वी स्थित है और हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल स्थित है। आकाश गंगा आकृति में सर्पिल या फिर स्पाइरल, ठीक है, सर्पिल कह सकते हैं या स्पाइरल कह सकते हैं, स्पाइरल गैलेक्सी है जिसका एक बड़ा केंद्र है, ठीक है, जिसका एक बड़ा केंद्र है और उससे निकलती हुई वक्र भुजाएं हैं, ठीक है। यह हमारे जो है आकाश गंगा की आकृति की बात हो रही है यहाँ पे। यह सर्पिल कह सकते हैं इसको या फिर स्पाइरल कह सकते हैं, जिसका एक बड़ा केंद्र होता है और उससे निकलती हुई कई वक्र भुजाएं होती हैं, ठीक है, कई वक्र भुजाएं होती हैं। तो आकाश गंगा की आकृति कुछ कैसी होती है, तो कुछ ऐसे होती है, एक केंद्र होता है और इसमें से ऐसे 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 जो है कुछ भुजाएं निकलती हैं। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता जो है, इससे तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है और ये तो हर किसी को याद भी हो गया होगा, लेकिन आज हम लोग इसके बारे में कुछ और कोरिलेट करके कुछ जानकारियां लेंगे, ठीक है। तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, किस पे मापी जाती है, रिएक्टर स्केल पे मापी जाती है। रिएक्टर स्केल का पूरा नाम क्या होता है, तो रिएक्टर स्केल का पूरा नाम जो है रिएक्टर परिणाम परीक्षण पैमाना होता है। क्या होता है, रिएक्टर परिणाम परीक्षण पैमाना होता है। 1935 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चार्ल्स रिएक्टर, ठीक है, चार्ल्स रिएक्टर और बेनो गुटेनबर्ग, कौन, बेनो गुटेनबर्ग ने मिलकर इसका आविष्कार किया था, रिएक्टर पैमाने का विकास या निर्माण किया था, ठीक है। कौन किया था, तो चार्ल्स रिएक्टर और बेनो गुटेनबर्ग। स्पेशली कौन किया था, तो चार्ल्स रिएक्टर ने किया था रिएक्टर स्केल का निर्माण, ठीक है। और यह कहाँ पे उन किया था, तो 1935 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़ने वाले शिष्य थे और वहाँ पे इन लोगों ने रिएक्टर स्केल का निर्माण किया था सर्वप्रथम। रिएक्टर स्केल पर 7.0 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप को सामान्य से कहीं अधिक खतरनाक माना जाता है, ठीक है। अगर भूकंप जो है या 7.0 का आता है, तो इससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप को हम लोग कैसा भूकंप मानते हैं, अधिक खतरनाक मानते हैं, ठीक है, सामान्य से कहीं ज़्यादा, ठीक है। इसी पैमाने पर अगर 2.0 का भूकंप आता है, ठीक है, इसी पैमाने पर अगर 2.0 या इससे कम तीव्रता वाला भूकंप आता है, तो कैसा भूकंप होता है, वह एक सूक्ष्म भूकंप होता है, ठीक है,
एक सूक्ष्म भूकंप होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसे हम महसूस भी नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः 2.0 या उससे कम के भूकंप को तीव्रता को हम लोग महसूस भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 4.5 की तीव्रता वाले भूकंप, 4.5 की तीव्रता वाले भूकंप घरों और अन्य रचनाओं को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। अगर हम यह कह सकते हैं कि अगर दो या दो से कम के अंदर आए भूकंप, तो उसको हम लोग महसूस भी नहीं कर सकते। अगर हम लोग कहीं काम में बिजी हैं तो यह भी नहीं सोच पाएंगे कि यार भूकंप आया था, ठीक है। बट अगर तीव्रता का भूकंप आता है तो उसके उससे क्या होगा, मकान गिर सकता है, कहीं भी कोई रचनाएं हैं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं 4.5 तक, ठीक है। अगर इतने की स्पीड से भूकंप आता है, अगर 7.0 का आता है, ठीक है, तो मानते हैं, या क्या तब क्या मानते हैं, जो गिर तो रहे हैं या 4.5 पे ही गिर जा रहे हैं, लेकिन 7 पॉइंट पे पहुंचने का मतलब बहुत ज्यादा तेज, ठीक है। अब तक का सबसे बड़ा भूकंप कहाँ आया था, तो अब तक का सबसे बड़ा भूकंप जो है 22 मई को 1960 में ग्रेट चिली में आया था। कहाँ आया था, ग्रेट चिली में आया था। इसकी तीव्रता क्या थी, तो 9.5 दर्ज की गई थी, ठीक है। कितनी तीव्र से आई थी, 9.5। तो आप सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि भूकंप का तीव्रता क्या रहा होगा, ठीक है। अगर 4.5 पे मकान गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और 7 पे अगर हम जाते हैं तो उससे भी डेंजर मानते हैं, लेकिन अगर 9.5 रहा होगा तो वहाँ का क्या हाल होगा। तो अभी तक का जो सबसे बड़ा भूकंप है कहाँ आया है, ग्रेट चिली में आया है, और 22 मई 1960 को आया है, ठीक है। कितने की स्पीड से आया, कितने की तीव्रता से आया, तो 9.5 की तीव्रता से आया, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, और क्वेश्चन आप लोग को याद रहना चाहिए, क्वेश्चन मैंने पूछा है और उसका कमेंट में रिप्लाई जरूर करिए, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन था, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन है, ठीक है। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन है, यह आज का क्वेश्चन है, और इसका रिप्लाई आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अंतिम हिंदू शासक कौन था, यह आज का क्वेश्चन है। और प्लीज़ जो नहीं जानता है, या जो जानता है, अगर जो नहीं जानता है तो उसको खोजे ढूंढे, और जो जानता है वह हर कोई अप्लाई ज़रूर करे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।